सुनो। यस सर। चलो ठीक है। स्क्रीन अगर दिख रहा है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। ठीक है, एटम्स का सिंबल कैसे लिखते हैं, फिर उसमें क्या क्या सिंबल लिखने में कौन कौन सा क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है हमको, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सारा चीज। तो तुम लोग को एक चीज बोले थे एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक याद करने के लिए, याद कियो? किसी को याद है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 20? बताओ। हेलो हेलो, यस आवाज सर। आवाज आ रही है? यस सर। हम बोले थे तुम लोगों को 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद करने? नहीं। नहीं बोले थे। अच्छा, किसको उसको याद है? एटॉमिक नंबर समझते हो किसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता? यस सर, जो लिखा रहता है एलिमेंट्स के साथ। हाँ, एलिमेंट्स के साथ तो लिखा रहता है, और भी बहुत सारे चीज। चलो देखते हैं। सबसे पहले एटम को अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो एटम को क्या बोलेंगे हम लोग? एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल डेट पार्टिसिपेट्स इन ए केमिकल रिएक्शन, है ना। एटम को अगर डिफाइन करना चाहें तो एटम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, बोल सकते हैं ऐसा? यस और नो? यस सर। यस सबसे सर। छोटा पार्टिकल टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये एटम होता है। अब यहाँ पे एटम को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एटम एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करना है तो उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सोडियम तुमसे बोला जाए तो सोडियम एटम का सिंबल क्या होता है? सिंबल क्या यूज करते हैं हम लोग सोडियम के लिए, बताओ? एन Na। ये कहाँ से आया Na? देखो, बहुत सारे एलिमेंट है ना जिनका के सिंबल जो है, बहुत सारे एलिमेंट में देखोगे उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट टू लेटर्स जनरली वही सिंबल आते हैं, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट में ऐसा नहीं दिखेगा। जैसे सोडियम है तो सोडियम का उसके अकॉर्डिंग तो SO होना चाहिए था सिंबल, लेकिन सोडियम का सिंबल Na है। ये एक्चुअली क्या है, कहाँ से आया? लैटिन नेम से। बहुत सारे एलिमेंट है जिनका के सिंबल लैटिन नेम से आया, जैसे पोटाशियम भी है, पोटाशियम का सिंबल लैटिन नेम से आया है। सोडियम का लैटिन नेम जैसे नेट्रियम होता है, वहां से ये सिंबल आया। पोटाशियम का लैटिन नेम क्या है? कैलियम। तो पोटाशियम का सिंबल वहां से कैपिटल K आया सर, समझ रहे हो? इस तरह का और भी एग्जांपल्स दे सकते हो क्या तुम लोग? जैसे आयरन का सिंबल है, आयरन का सिंबल क्या यूज करते हैं हम लोग? एफपी। Fe। तो ये भी कहाँ से आया? लैटिन नेम से ही आया, फेरम। समझ में आ रहा है? सोडियम का जैसे ये नेट्रियम से आया, लैटिन नेम है ये सारा चीज। पोटाशियम का केलियम से आया है, फिर आयरन का Fe कहाँ से आया? फेरम से आया है, ठीक है। लेड, लेड का भी लैटिन नेम से आया, बताओ लेड का सिंबल? लेड का सिंबल क्या यूज करते हैं हम लोग? किसी को नहीं पता है लेड का सिंबल? नो सर। Pb यूज करते हैं। लेड का देखोगे सिंबल होता है Pb, ये भी लैटिन नेम से आया, प्लम्बम से, ठीक है। सिल्वर, सिल्वर का तो सुने होगे, सिल्वर का क्या सिंबल यूज करते हैं हम लोग, सुने हो?
सर एजी एजी तो ये भी लैटिन नेम से आया, अर्जेंटम अर्जेंटम। फिर गोल्ड का सुने होगे, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, ए यू, ये भी लैटिन नेम से आया, ऑरम। ठीक है, ये सारे कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका सिंबल जो है लैटिन नेम से आया। और भी बहुत सारा, जैसे मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का सिंबल क्या यूज करते हैं, एच जी। ठीक है, तो ये हाइड्राजिनम हाइड्राजिनम। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स का सिंबल है जो कि लैटिन नेम से डिराइव है। ये सारा कंप्लीट नहीं है, और भी बहुत सारे एलिमेंट है। ठीक है, तो हम कुछ कुछ एलिमेंट्स का लिख रहे हैं, तो जरूरी नहीं, बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसका कि फर्स्ट टू लेटर ही यूज किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या लिखोगे, मैग्नीशियम का सिंबल Mg। कैल्शियम का सिंबल क्या आएगा, कैल्शियम का सिंबल Ca। Ca। नाइट्रोजन का सिंबल बताओ, सिर्फ कैपिटल N। ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल O। ठीक है, ये सारे सिंबल्स हैं। तो हम यहाँ पे देखो, हम एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक वो एटलीस्ट तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो वो याद रखने के लिए हम एक टेबुलेटेड फॉर्म में तुमको दे देते हैं। ठीक है, वो याद रखना है एटलीस्ट तुमको। तो जैसे किसी भी एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, किसी भी एलिमेंट को अगर तुम रिप्रेजेंट करोगे तो उसको हम लोग ना यहाँ पे देखो, जैसे ऐसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बीच में लिखा रहेगा तुम्हारा एक्स। ठीक है, और नीचे देखोगे ना, यहाँ पे जेड रहता है और यहाँ रहता है ए। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स जो है यहाँ पे, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल, उस एलिमेंट का सिंबल, सिंबल ऑफ द एलिमेंट। समझ आ रहा है बात सबको। जेड क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एटॉमिक नंबर। और ए किसका रिप्रेजेंटेशन है, ए सर वैलेंसी, मास नंबर। ठीक है, ए जो है मास नंबर। ये होता है, कोई भी एलिमेंट को अगर हमको रिप्रेजेंट करना तो उसको इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। एक्स हो गया उस एलिमेंट का सिंबल बीच में, नीचे जेड आएगा जो कि उसके एटॉमिक नंबर को डिनोट कर रहा होगा, और ए आएगा जो कि उसके मास नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जैसे हमको फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम को रिप्रेजेंट करना है, तो सोडियम का सिंबल क्या है, Na, है ना, और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 11 इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे आ गया, और सोडियम का जो मास नंबर होता है ये है 23, ये ऊपर आ गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, तुमसे अगर पूछा जाएगा ये रिप्रेजेंटेशन है इसमें 11 क्या डिनोट कर रहा है, तो 11 क्या है यहाँ पे, सोडियम का एटॉमिक नंबर है जो कि 11, और सोडियम का मास नंबर कितना है, कितना होगा मास नंबर, 23। ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, हम कुछ कुछ एलिमेंट्स का यहाँ पे, कुछ कुछ एलिमेंट्स क्या मतलब एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक का हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट सिंबल और उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर। ठीक है, ये तुम लोग को याद रखना है। समझ रहे हो बात, यस सर। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे टेबुलेटेड फॉर्म में तुम लोग को लिख दे रहे हैं, वो याद करके रखोगे। और यहाँ पे जब हम मास नंबर लिखेंगे ना, तो देखो एक्चुअल मास जो होता है ना एलिमेंट का, वो डेसिमल में होता है। ठीक है, एक्चुअल मास जो होता है वो डेसिमल में होता है, लेकिन जब हम लोग मास नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो मास नंबर को हम लोग डेसिमल में नहीं लिखते हैं, वो नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। राउंड ऑफ करने सीखे हो मैथ्स में, राउंडिंग ऑफ सीखे हो, तो वही राउंडिंग ऑफ यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं कि एक्चुअली जब मास लिखते हैं ना हम लोग, तो मास में एग्जैक्ट मास हम लोग नहीं लिखते हैं, एलिमेंट का एग्जैक्ट मास जो होगा वो तो डेसिमल में रहेगा। ठीक है, हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं उसको नियरेस्ट
होल नंबर में, तो उसको हम लोग मास नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग इसको लिखते जाओ। सर वैलेंसी क्या होता है? सब पढ़ेंगे अभी, वैलेंसी बताएंगे कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए, ठीक है, तभी वैलेंसी हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? वो सब सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे, पहले एटॉमिक नंबर, क्योंकि ये जब तक एटॉमिक नंबर ये सब नहीं पता रहेगा तो फिर वैलेंसी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। सर आप लास्ट ईयर वैलेंसी बताए हैं, बताए हैं तो फिर भी तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? सर मेरे को नहीं बताया, हम नहीं थे कोचिंग। चलो ठीक है, तो डिस्कस करेंगे वो सारा चीज करेंगे। चलो तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे ऐसे तुम लोग लिख लेना, टेबल बना लेना, ठीक है, हेडिंग डालो यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एटॉमिक नंबर, इसके बाद यहाँ लिखेंगे एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, इसके बाद उस एलिमेंट का सिंबल, ठीक है, और उसके बाद उसका मास नंबर। ठीक है, ऐसे टेबल बना लो। कर लिए? हेलो, यस सर कर लिए। इस तरह से टेबुलेटेड फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे सबसे पहला एलिमेंट है एटॉमिक नंबर वन, किसका होता है ये तो पता होगा तुम लोगों को। एटॉमिक नंबर वन कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, एटॉमिक नंबर वन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल H, और हाइड्रोजन का मास नंबर भी वन ही होता है, तो एटॉमिक नंबर वन, मास नंबर वन। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है बताओ? टू, हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है टू। हीलियम, हीलियम का सिंबल क्या होगा बताओ? H स्मॉल e। H e, ठीक है, और हीलियम का मास नंबर होता है फोर, ठीक है, इसी तरह याद रखना है तुम लोगों को। फिर एटॉमिक नंबर होता है थ्री, एटॉमिक नंबर थ्री किसका होगा? लिथियम, ठीक है, लिथियम का सिंबल एल आई, मास नंबर इसका हो जाएगा सेवन। नेक्स्ट फोर्थ क्या है? एटॉमिक नंबर फोर बेरिलियम, ठीक है, सिंबल हो गया बी ई, और मास नंबर बेरिलियम का होता है नाइन। एटॉमिक नंबर फाइव क्या है? बोरोन, बोरोन का सिंबल होता है बी, और मास नंबर है इसका इलेवन। एटॉमिक नंबर सिक्स, सिक्स होता है कार्बन, कार्बन का सिंबल है कैपिटल सी, और एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा, वो सॉरी मास नंबर 12। लिखते जाना तुम लोग साथ में, लिख रहे हो ना? यस सर लिख रहा। साथ में लिखते जाओ। एटॉमिक नंबर 7 है नाइट्रोजन, इसका सिंबल है कैपिटल एन, और इसका मास नंबर होता है 14। एटॉमिक नंबर 8 है ऑक्सीजन, सिंबल ओ, और मास नंबर 16। एटॉमिक नंबर 9 कौन सा होगा बताओ? फ्लोरीन,
पढ़े हो सुने हो कोई फ्लोरीन के बारे में? फ्लोरीन गैस एटॉमिक नंबर 9 होता है फ्लोरीन का, ये कैपिटल एफ, और इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर होता है 19, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया 10, क्या आएगा फ्लोरीन के बाद? नियॉन, नियॉन का मास नंबर है सॉरी सिंबल हो गया एन ई और मास नंबर हो गया 20। उसके बाद है 11, 11 कौन सा एलिमेंट है? सोडियम, अभी हम लोग बताए थे ऊपर, सिंबल हो गया Na। सोडियम का मास नंबर बताओ, अभी ऊपर लिखे थे सर 23। उसके बाद 12 होता है मैग्नीशियम, सिंबल हो गया Mg, ठीक है, और मास नंबर होता है इसका 24, राउंड ऑफ करके लिख रहा है। फिर है 13 एल्यूमिनियम, सिंबल है Al, इसका मास नंबर होता है 27। 14 सिलिकन, सिंबल है Si, मास नंबर है 28। नेक्स्ट है 15 फास्फोरस, सिंबल है कैपिटल P, ठीक है, मास नंबर क्या हो जाएगा 31। 16 सल्फर कैपिटल S, मास नंबर है 32। 17, 17 होता है क्लोरीन Cl, ठीक है, इसका मास जो होता है ना जनरली 35 हम लोग लिख लेते हैं एग्जैक्टली, जब मास कैलकुलेट करेंगे तो 35.5 लेते हैं हम लोग, ठीक है, एवरेज, वो बताएंगे एवरेज कैसे आता है, अभी जस्ट मास नंबर लिखो। इसके बाद आइसोटोप्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, ये हो गया क्लोरीन, 35.5 लेते हैं, यहाँ पे हम लोग होल नंबर में लिख रहे हैं सर। फिर 18, 18 है आर्गन, सिंबल होगा Ar, मास नंबर इसका होता है 40। नाइनटीन पोटेशियम, सिंबल K और मास नंबर होगा इसका 39। नेक्स्ट हो गया 20 कैल्शियम, ठीक है, सिंबल Ca, मास नंबर 40। दिख रहा है सबको? दिख रहा है या नहीं? हेलो, यस सर, दिख रहा है। चलो इसको फटाफट लिखो, इसको याद करना है। सर आर्गन का भी 40 होता है और कैल्शियम का भी 40 है, मास नंबर होता है। हो सकता है मास नंबर सिमिलर हो सकता है एक्चुअली, यहाँ देखो हम लोग राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं ना, जो एग्जैक्ट मास होता है वो तो डेसिमल में रहेगा, हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके नियरेस्ट इंटीजर में, तो राउंड ऑफ करने के बाद जो है वो तो सिमिलर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटॉमिक नंबर वो कभी भी दो एलिमेंट का सेम नहीं होगा, एटॉमिक नंबर हमेशा
अलग अलग होगा, मास नंबर सेम हो सकता है, समझ रहे हो बात? यस सर। एटॉमिक नंबर कभी भी दो एलिमेंट का सेम नहीं रहेगा, एटॉमिक नंबर हमेशा डिफरेंट रहेगा। ये 1 से 20 तक तुम लोग को इतना चीज याद रखना है, बात समझ में आया? यस सर। याद रहेगा या नहीं रहेगा? सर रहेगा। चलो अब इसी में तुम लोग ये बताओ, मेटल नॉन मेटल भी हम लोग देख ही लेते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ बताना तुम लोग, हाइड्रोजन क्या है, मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल। हाइड्रोजन हो गया नॉन मेटल, यहाँ पे हम लिखते ही जा रहे हैं साथ साथ, हाइड्रोजन हो गया नॉन मेटल। हीलियम क्या है, मेटल या नॉन मेटल? हीलियम, हीलियम क्या है बताओ, तुम लोग इतना टाइम लोगे। हेलो, नॉन मेटल। हीलियम गैस के फॉर्म में रहता है ना, तो जनरली yes. जितने जितने भी गैसेस हैं वो सारे तो नॉन मेटल ही होंगे। लिथियम क्या है? लिथियम मेटल है। लिथियम हो गया मेटल। बेरिलियम, बेरिलियम भी है मेटल। बोरोन क्या है? मेटलॉइड, सुने हो मेटलॉइड किसको बोलते हैं बता दो। हेलो, किसको बोलते हैं मेटलॉइड? सर जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक होता है। वैसे एलिमेंट जो मेटल के भी प्रॉपर्टीज शो करे और नॉन मेटल के भी प्रॉपर्टीज शो करे उनको हम लोग मेटलॉइड बोलते हैं। ठीक है, जो मेटल नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं उनको मेटलॉइड बोला जाता है। ठीक है, आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर। कार्बन क्या हुआ, मेटल या नॉन मेटल? कार्बन क्या है? मेटल। मेटल है कार्बन, नॉन मेटल। नॉन मेटल। नाइट्रोजन क्या होगा, मेटल या नॉन मेटल? सर नॉन मेटल। नाइट्रोजन तो गैस होता है ना, तो सारा नॉन मेटल। ऑक्सीजन, ये भी तो गैस है, नॉन मेटल। नॉन मेटल। फ्लोरीन सर नॉन मेटल, ये भी गैस है, नॉन मेटल हो गया। नियॉन, ये भी नोबल गैस है, नॉन मेटल हो गया, नियॉन गैस होता है। सोडियम क्या है, मेटल या नॉन मेटल? सर मेटल। मैग्नीशियम क्या है? सर मेटल। एल्यूमिनियम क्या होगा? सर मेटल। 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 सिलिकॉन क्या है? नॉन मेटल। ये भी मेटलॉइड होता है, ठीक है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज हों, तो सिलिकॉन मेटलॉइड में आ जाएगा, बात समझ रहे हो? यस। फास्फोरस क्या है? मेटल और नॉन मेटल? बोलो, फास्फोरस मेटल। फास्फोरस मेटल है, नॉन मेटल? नॉन मेटल। सल्फर क्या होगा? सर नॉन मेटल। नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है? सर नॉन मेटल। क्लोरीन भी हो गया नॉन मेटल, दिख रहा है ना स्क्रीन तुम लोगों को? यस सर। क्लोरीन क्या हो गया, ये भी नॉन मेटल।
आर्गन क्या होगा बताओ? सर मेटल आर्गन भी गैस होता है ना, आर्गन गैस, हीलियम, इनको हम लोग नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारे नोबल गैसेस होते हैं जो कि किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो नॉन मेटल हो गया। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम क्या है, मेटल या नॉन मेटल? सर नॉन मेटल। नॉन मेटल पोटेशियम बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है, पोटेशियम हो गया मेटल। कैल्शियम? सर नॉन मेटल। क्या बोलते हो यार तुम लोग, मेटल नॉन मेटल नहीं पढ़े हो क्या चैप्टर? मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़े हो, क्लास 8 7 8 में तो रहता है ना। तो फिर कैल्शियम को तुम लोग नॉन मेटल बता दे रहे हो। सर मेटल है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता है ना तुम लोगों को, क्या क्या डिफरेंस होता है? यस सर। क्या क्या डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स में बताओ कोई भी। मेटल का डक्टिलिटी होता है, उसके बाद थिन शीट्स में हो सकता है और हार्ड होता है। सारे और थिन वायर में हम लोग उसको कर सकते हैं। तो थिन वायर वाले प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी या मैलेबिलिटी, क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी और मैलेबल मतलब क्या हुआ? थिन शीट्स में कर सकते हैं। थिन शीट्स में कर सकते हैं। मेटल जनरली पढ़े हो गए, हार्ड होता है, जनरली सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। सर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। तो ये सारे तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी पड़े होंगे तुम लोग। एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, जनरली सारे नॉन मेटल जो है वो देखोगे गैसियस फेज में मिलेगा जनरली, लेकिन बहुत सारे नॉन मेटल है जो लिक्विड और सॉलिड दोनों में रहता है। जैसे एक लिक्विड नॉन मेटल का नाम बता सकते हो, वैसा नॉन मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, बोलो। सर ब्रोमाइन। ब्रोमीन। एक ऐसा मेटल बताओ जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। सर मर्करी। मर्क्यूरी। तो ये सारे एक्सेप्शन है। एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। नेम ए नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पढ़े हो? तुम लोग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये सब चीज तो बेसिक चीज है, ये सब तो बताया जाता है ना। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक्चुअली कौन से मेटल एलिमेंट से बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है तो ग्रेफाइट, लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज नहीं पढ़े हो तुम लोग 8th में। यस और नो? अरे हाँ या नहीं, तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग इतना? चलो ये लिख लियो तुम लोग यहाँ तक 1 से 20 तक। यस सर। यस सर। सबका हो गया लिखा हुआ? यस सर। तो ये तुमको याद रखना है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक का एलिमेंट कौन कौन सा है, उसका सिंबल क्या होता है और उसका मास नंबर कितना है। अब तुम लोग को लास्ट क्लास में ये बताए थे एक्चुअली जो भी होता है ना एटम्स, वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला गया था कि एटम ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं किया जा सकता है, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद बहुत अलग अलग साइंटिस्ट आए जो कि इस एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ब्रेक किया था, बताए थे तुम लोग को लास्ट क्लास में। यस सर। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या था सर? इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा प्रोटॉन्स और तीसरा न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल पी से और न्यूट्रॉन को स्मॉल एम से। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। प्रोटॉन्स जो होता है इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिवली चार्ज होता है प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है ये जीरो होता है, जीरो चार्ज। न्यूट्रल मतलब क्या हुआ, जीरो चार्ज, समझ रहे हो बात। अब यस ये भी बताया था इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था, विच साइंटिस्ट सर, इलेक्ट्रॉन का जे जे थॉमसन, प्रोटॉन का ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना, ये सब पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, किसी भी एटम में हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर तो हमको पता चल गया, अब उसका मास नंबर भी पता है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर एक्चुअली देखोगे ना, जो एटम का अरेंजमेंट होता है, तो एटम का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो जैसे कोई भी एटम है, तो ये एटम में क्या होना, बीच में न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है हमको, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, बात समझ में आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा एटम में, बताओ, इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ये ऐसे बाहर जो शेल बना रहता है, सर्कुलर ऑर्बिट जिसको बोलते हैं या सेल बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व करते रहता है, इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व करेगा, समझ रहे हो बात। ई से डिनोट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, ये होता है रेंज। जैसे सोलर सिस्टम का मॉडल तुम लोग पढ़े हो ना, सोलर सिस्टम पढ़े हो या नहीं? Yes, sir. सोलर सिस्टम में क्या होता है कि एक्चुअली सन सेंटर पे रहता है और सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ना, सर्कुलर ऑर्बिट में करते हैं यार। पढ़े हो सोलर सिस्टम? Yes, sir. तो रिप्लाई करो यार, तुम लोग इतना मतलब लग रहा है कि कुछ जानते ही नहीं हो, तुम लोग ऐसे बैठे हुए हो चुपचाप। मतलब सोलर सिस्टम एक्चुअली क्या, सन सेंटर में रहता है, yes, sir. और उसमें सर्कुलर ऑर्बिट में उसके चारों बगल प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग प्लैनेट है। सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है, मर्क्यूरी। उसके बाद सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ। तो इस तरह से चलता है ना आगे, yes, उसी तरह यहाँ पे भी होता है कि एटॉमिक मॉडल जो है जस्ट हम लोग सोलर सिस्टम के मॉडल की तरह कंपेयर कर सकते हैं। एटम में क्या होता है कि सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर लाई करेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एटम में जो होगा सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इस तरह से ऑर्बिट रहता है। तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं उसके चारों बगल, ये कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। किसी भी एटम में तुमसे पूछा जाएगा कि उस एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए तुमको कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो किसी भी नंबर, किसी भी एलिमेंट में अगर तुमसे निकालना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो हमेशा किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट
inside the न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. बात समझ में आ गया? ठीक है बोलो. तो एटॉमिक नंबर तो फिक्स रहता है, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो फिक्स रहेगा. अब एटॉमिक नंबर अगर फिक्स है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या रहेगा? फिक्स. फिक्स ही रहेगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा किसके बराबर रहेगा? एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा. और अगर वो एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या रहेगा? वो भी इक्वल रहेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर. तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम, इन ए न्यूट्रल एटम. ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग न्यूट्रल एटम में? क्योंकि देखो एक्चुअली जो एटम होता है ना, एटम जो होता है वो अपने अगर नॉर्मल स्टेट में, ऐसे ग्राउंड स्टेट उसको बोलते हैं हम लोग, तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट मतलब वो किसी से अभी रिएक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, तो उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं. एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, कोई ये बता सकते हो? बिकॉज इट कंटेन्स, ठीक है ये रीजन होता है, इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स न्यूट्रल स्टेट. And its ground state as well. ये बात समझ में आया? देखो एटम के अंदर चार्ज कहां से आता है? एक तो प्रोटॉन की वजह से आएगा. जो कौन सा चार्ज है उसके ऊपर? प्रोटॉन के ऊपर. पॉजिटिव. पॉजिटिव. और दूसरा चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से. इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव. नेगेटिव. अगर मान लो किसी भी एटम के पास, अगर वो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम मतलब उसके पास ओवरऑल चार्ज जीरो है, तो जीरो किसकी वजह से होता है? जीरो हम लोग बोलते हैं, जीरो इसलिए चार्ज है क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, ठीक उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है. और दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट. जैसे मान लो किसी भी एटम के पास फाइव प्रोटॉन है, तो एट द सेम टाइम उसके पास फाइव प्रोटॉन की वजह से चार्ज क्या होगा उसके ऊपर, बताओ? प्लस फाइव. yes, और एट द सेम टाइम उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अगर वो न्यूट्रल एटम है तो फाइव ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. पांच प्रोटॉन की वजह से अगर प्लस फाइव था तो पांच इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा? माइनस फाइव. यस और नो? यस सर. और जब हम लोग ओवरऑल चार्ज निकालेंगे तो दोनों को ऐड करोगे, एक प्लस फाइव है दूसरा माइनस फाइव है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा या नहीं? यस सर, करेगा. तो कैंसिल आउट अगर कर देगा तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो. यस सर. और उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल सकते हैं. यस सर. तो इसलिए कोई भी एटम जो है ना, अगर वो न्यूट्रल ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मतलब अभी वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो उस स्टेट में उसके ऊपर जो चार्ज होता है ना वो जीरो चार्ज होता है, उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलने का रीजन वही है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसके पास, ठीक उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्वल है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? दोनों एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे. कैंसिल कर देंगे. और ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो. बात समझ आ गया? अगर तुमसे रीजन पूछा जाएगा कि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, तो रीजन लिख दोगे? यस और नो? यस सर. चलो, तो ये हो गया एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम. ठीक है, दूसरा डेफिनेशन हमको याद रखना है, यह है मास नंबर का. मास नंबर एक्चुअली क्या होता है? मास नंबर ये सम है. मास नंबर इज द सम ऑफ
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम. तो मास नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? मास नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, ठीक है, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं. और एटॉमिक नंबर को किससे हम लोग डिनोट करते हैं? जेड से. ये बता चुके हैं तुम लोगों को, एटॉमिक नंबर जेड से डिनोट करते हैं, मास नंबर ए से. तो मास नंबर ए इज इक्वल टू ये किसके बराबर आ जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है. ये मास नंबर का डेफिनेशन है. तो ये चीज अगर तुमको पता चल गया जैसे, तो हम लोग निकाल सकते हैं यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन किसी एटम में. जैसे मान लो सोडियम की केस की बात कर रहे हैं, सोडियम का एलिमेंट एलिमेंटल सिंबल है 11, है ना. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11. इसका मास नंबर कितना होता है? 23. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं. तो एटॉमिक नंबर जेड इसका है 11 और मास नंबर ए जो है इसका 23 है. अगर तुमसे पूछा जाए कि सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होगा, क्या लिखोगे आंसर? एटॉमिक नंबर, नंबर बताओ. 11. अगर इसमें पूछा जाए तुमसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बताओ. नंबर पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होगा? हेलो हेलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 11 है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा? 11 ही होगा. इसमें क्या इतना क्या सोच रहे हो? इसके ऊपर कोई चार्ज अभी तुमको दिख रहा है क्या? सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज दिख रहा है? नो सर. नो सर, चार्ज अगर नहीं दिख रहा है इसका क्या मतलब हुआ? चार्ज जीरो है वहां पे, ठीक है. और चार्ज अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होंगे, तभी तो चार्ज जीरो है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे बता सकते हो? हाउ विल वी फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? 23 माइनस 11. क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या, यहाँ हमको फॉर्मूला पता चल चुका है, मास नंबर इसका हमको पता है ए और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमको पता है. तो मास नंबर में अगर हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सोडियम में? सर 12. ये हो गया सोडियम. सोडियम में अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं? यस सर. अब तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे? यस सर. बस चलो, हम कुछ कुछ दे रहे हैं तुम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए, क्वेश्चन दे रहे हैं. फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है. सबसे फर्स्ट एलिमेंट कैल्शियम, दूसरा फॉस्फोरस, थर्ड एल्यूमिनियम, फोर्थ
सल्फर, फिफ्थ नाइट्रोजन, सिक्स्थ आर्गन। चलो इतने में करो, कर लोगे ना, फाइंड आउट कर पाओगे या नहीं? यस सर। चलो 5 मिनट का टाइम है, सब मैं कैलकुलेट करके बताओ, क्योंकि एटॉमिक नंबर मास नंबर तो ऑलरेडी बता ही चुके हैं तुम लोगों को। यस और नो? यस सर। तो वहां से देख लेना, ठीक है, करो। बन रहा है? हेलो। यस सर। यस सर। सर हो गया, सारा हो गया। यस सर। ओके, सबका? सब लोग कर लिए? यस यस। बाकी लोग रिप्लाई करो, सारा हो गया? यस सर। चलो बताओ तो एक एक करके। फर्स्ट बताओ कैल्शियम में, कैल्शियम में बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखो, हम पी से लिख रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ई से और न्यूट्रॉन्स को। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैल्शियम में कितना आया?
सर 20 20 इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ सर 20 20 न्यूट्रॉन्स कितना हुआ 20 चलो सही है फास्फोरस में बताओ प्रोटॉन सर 15 15 इलेक्ट्रॉन 15 और न्यूट्रॉन 16 एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन 13 न्यूट्रॉन 14 सबका आ रहा है सही देख लो yes, सल्फर सल्फर में बताओ सर 16 16 फिर इलेक्ट्रॉन 16 न्यूट्रॉन 16 नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन हो गया 7 इलेक्ट्रॉन हो गया 7 और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 7 आर्गन में 18 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन वो भी 18 और न्यूट्रॉन 22 यस सर ठीक है सबका यही आ रहा है या किसी और का डिफरेंट आया कुछ और आ रहा है बताओ हेलो सबका यही आ रहा है यस सर यस सर चलो ठीक है समझ गए ना अब कैसे करना है यस सर ठीक है तो इसमें और कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग को तो देखो इस क्लास का तुम्हारा होमवर्क रहेगा 1 से 20 तक तो तुम लोग को याद ही रखना है नेक्स्ट क्लास में तो सबसे पहले हम यही पूछेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब आगे देखेंगे कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बताएंगे तुम लोगों को 288-18 वाला रूल होता है वो सिखाएंगे फिर उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के बाद ही हम लोग वैलेंसी निकाल पाएंगे समझ रहे हो तो वो सब नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम लोग वैलेंसी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है उसके बाद आयंस जब बनेगा ना आयंस हम लोग देखते हैं वो कैसे फॉर्मेशन होता है आइदर लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो उन आयंस के केस में हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं उनका और कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे ये सारा चीज हम लोग को नेक्स्ट क्लास में करना है तो आज के क्लास में तुम लोग का होमवर्क रहेगा कि सारा एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक और उसका मास नंबर भी एटलीस्ट याद रखना याद रहेगा तुम लोगों को याद हो जाएगा यानी 20 तक ही याद करो ये क्लास 10 तक तुम्हारा काम करेगा ठीक है उसके बाद 11th में जाओगे तो एटलीस्ट 30 तक याद करना पड़ता है ठीक है तो ये अभी 20 तक याद कर लोगे तो क्लास 10 तक तुमको ये काम देगा बात समझ रहे हो यस सर हो जाएगा याद यस सर नो यस सर आज हम इतना ही रहने देते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जो वैलेंसी वाला चीज पूछ रहे थे तो उसको पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने सीखेंगे फिर उससे हम लोग वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे ठीक है ओके सर चलो तो फिर आज इतना ही रहने देते किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में रेशव नो सर आयुषी नो सर आयुष और शैली नो सर चलो कोई डाउट नहीं है ना किसी को नो सर एटलीस्ट याद कर लेना तुम लोग ठीक है बिना याद किए फिर आगे वैलेंसी नहीं अगर एटॉमिक नंबर ही याद नहीं रहेगा तो तुम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एटॉमिक नंबर तो याद रखना जरूरी है हर जगह तुमको दिया नहीं रहेगा ना एग्जाम में ठीक है
तो इसलिए वो याद रहना चाहिए, 20 तक याद करना ही है, ठीक है? तो इसको जितने जल्दी याद करोगे वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चलो तो इतना करके रखना, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके चलो एंड करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?